हमने देखा है जो सांसद बने हैं, जो विधायक बने हैं, वो अपने व्यक्तिगत कामों में सांसद बनने के बाद अपने व्यक्तिगत कामों को, व्यक्तिगत रोजगार को, व्यक्तिगत एजेंडे को चलाते हैं, पब्लिक से यहाँ तक कि मिलते भी नहीं। जब आप पब्लिक से मिलेंगे नहीं तो पब्लिक के विषय में आप जो है सोच कैसे रखेंगे, उनका कार्य कैसे करेंगे। तो मैंने तो ये मन बना रखा है, मैं बाई चांस अगर सांसद बना तो मैं तो ये पहले निर्धारित करूँ मैं अपने घर में ही नहीं आऊँगा, मैं अपने घर में आऊँगा ही नहीं, मैं क्षेत्र में ही रहूँगा और वहीं से अपना पूरा कार्य करूँगा, वहीं से मैं हर जगह जाऊँगा। तो मैं क्षेत्र में व्यक्ति व्यक्ति ही जुड़ता रहूँगा, 24 घंटा मेरा यही काम रहेगा, सिर्फ क्षेत्र में रहना, पब्लिक से काम करना, जब पार्लियामेंट चलेगा पार्लियामेंट में जाना, पार्टी की जो जहाँ निर्देश होगा वहाँ जाना, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है पब्लिक के बीच में रहना। आज हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं पायलट ऑफिसर राधेश्याम पांडे जी, जो कि अपर महानिदेशक के रूप में सेवा दे चुके हैं। बात की जाए लोकसभा 73 से तो ब्राह्मण चेहरे के रूप में राधेश्याम पांडे जी की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। तो आइए हम सीधा जुड़ते हैं और राधेश्याम पांडे जी से और जानते हैं कि राजनीति में आने का या चुनाव लड़ने का क्या विजन है, किस लिए वो राजनीति में आना चाहते हैं। जी सर, स्वागत है चैनल में। मैं भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर था, 2 साल सेवा देने के बाद, निवृत्ति होने के बाद सेंट्रल सिविल सर्विस भारत सरकार में 32 साल की सेवाएं दिया हूँ। अपर महानिदेशक पद से रिटायर हुआ हूँ, 2019 में मेरा रिटायरमेंट हुआ है। तब से मैं सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सेवा में कार्यरत हूँ और मैंने देखा है जो राजनीति में लोग शुरुआत से राजनीति करते हैं, अब राजनीति को अपना कैरियर बनाते हैं, लोग राजनीति से पैसा कमाते हैं जी, अपना कैरियर बनाते हैं। मेरी कैरियर तो बन चुका है, मुझे राजनीति से पैसा नहीं बनाना है, कैरियर नहीं बनाना है। मैं स्वच्छ राजनीति चाहता हूं, मैं अपने पैसे से राजनीति करना चाहता हूं, देश की सेवा करना चाहता हूं, अपने क्षेत्र और समाज की सेवा करना चाहता हूं, यही मेरा विजन है। हम समाज के लोगों को तमाम मुद्दों पर, जो गाँव, गरीब, किसान, इन लोगों के बीच में मैं कार्य करता हूँ। अगर बात की जाए रेटिंग की तो पूरे जनपद जौनपुर में आपके विद्यालय की नंबर 1 रेटिंग है और आपके विद्यालय ने इस जनपद को कई टॉपर्स दिए, होनहार बच्चे दिए, जो कि आज IAS, PCS, मेडिकल क्षेत्र में तमाम जगहों पे आज सेवा दे रहे हैं जी। CBSE एक नेशनल स्टैंडर्ड है, राष्ट्रीय मानक है, उस मानक द्वारा शिक्षा देना ये मेरा जो है लक्ष्य था और मैं अपने लक्ष्य में सफल हूँ। मैं बहुत ही संतोषजनक हमको जो है परिणाम मिल रहा है, हमारे बच्चे यहाँ से IIT, PMT, MNT इतनी जगहों पर सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं जिले का टॉपर स्टूडेंट दिया हूँ, हाई स्कूल बोर्ड का यहाँ टॉपर स्टूडेंट हमारे यहाँ रहा है, पूरे जिले को टॉप किया है, हमारे DM ने हमें जो है सम्मानित किया सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन के लिए जी। तो मैं अपनी विजन में 100% सफल हूँ। ज्ञान द्वारा शिक्षा देना ये बहुत बड़ी शिक्षा है, मैंने देखा है कि ज्ञान, किसी का ज्ञान अपग्रेड कर देंगे तो उसके जीवन तृप्त हो सकता है और किसी को पैसा दे दें तो उसका एक दिन का जीवन तृप्त। विद्यालय मेरे खेत में बना हुआ है, मेरे पिताजी ने इस विद्यालय को बनाने के लिए अपना खेत दान किया, इसमें मैं 2-2 4-4 कमरा जोड़ जोड़ के इस विद्यालय को खड़ा किया। मैं इंग्लिश मीडियम में CBSE का गाँव में गाँव, गरीब और किसान के बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय खोला है। मैं बता दूँ आपको, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा बढ़िया विद्यालय जौनपुर जो बड़ा शहर है, इलाहाबाद जो बड़ा शहर है, प्रतापगढ़ जो यहाँ बड़ा शहर है, 50 किलोमीटर दूरी पर है, नहीं है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट देता हूँ, टॉप क्लास का एजुकेशन देता हूँ, इन गांव गरीब किसान के बच्चों को ये देता हूँ। हमें ये पता था कि विद्यालय में खोल रहा हूँ मैं पैसा नहीं कमा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो अभिभावक है उनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है, गांव गरीब किसान के बच्चे हैं, मैं इनकी फीस को माफ़ करता हूं, फिर भी मैं उसी क्वालिटी का एजुकेशन देता हूं जो कि बड़े शहरों में लोगों को मिलता है। ये ज्ञान द्वारा जो लोगों के लोगों को जो आप प्रेरणा देते हैं, उनका लाइफ अपग्रेड कर देते हैं तो उनका जीवन तृप्त हो जाता है। ऐसा क्षेत्र में हम 25-30 किलोमीटर दूरी से यहाँ से मुगराबाद शाहपुर से 3-4 विधान सभाओं को प्रभावित करते हैं, हज़ारों हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, कई हज़ार स्टूडेंट्स निकल चुके हैं और कई हज़ार हमारे पास अभिभावक हैं, बस सब मुझे इसी ढंग से सम्मान देते हैं, मैं अपने को बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ। सर, हमने सुना कि जब आप सर्विस में थे तो उस समय यहाँ पे ईसाई मिशनरी के द्वारा यहाँ पे लोगों का धर्मांतरण करने का काम किया जाता था खुलेआम,
तो आपको जब पता चला तो आपने इस पर एक्शन भी लिया, क्या कहानी थी सर? दरअसल यहाँ हमारे जहाँ बैठे हैं आप, यहाँ से बगल में खुद एक जो है पुरोपुर जगह पड़ता है, धीरे धीरे वहाँ एक टेम्पररी चर्च डेवलप हो गया, एक और जगह है वहाँ पर भी टेम्पररी चर्च डेवलप हुआ। तो हम लोगों को जब पता लगा तो हम लोग पहले से भी जो है संघ की विचारधारा से प्रेरित हैं, संघ से हमारा पहले से भी जुड़ाव रहा है, तो मैंने उस पर काफ़ी एक्शन लिया। और पहले तो जो है पादरी को मैंने हम लोग पकड़े, जो नैनी से आता था उस पादरी को पकड़े, उसके बाद जहाँ जहाँ उसके जो है धर्मांतरित जितने लोग हुए थे, लगभग 10-15 लोग धर्मांतरित हो चुके थे, उनके घर गए, विजिट किया। हमारे और भी मित्र हैं, हमारे और भी लोग साथी हैं, सब लोग मिल के उस पर काम किया। तो धीरे धीरे जो है वो बंद भी हुआ और मैंने उनको जो है रिवर्ट वापस हिंदू धर्म में वापस कराया। लालच देते थे, किसी कुछ पैसा दे दिया, किसी कुछ गाड़ी दे दिया, किसी कुछ जो है दे दिया, तो लालच में लोग जो है ऐसा काम कर रहे थे। तो बल्कि कई बार ऐसा हुआ कि मेरा ये पैसा, मैं धर्म परिवर्तित कर लूँगा, मेरा पैसा चला जाएगा। हमने कहा चलो, हम लोग चंदा लगा पैसा दिए लोगों को वापस करने के लिए, और लेकिन वापस आए। कि भारतीय जनता पार्टी में आप सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और पार्टी के जो है काम में, बैठकों में जाना, लोगों से परिचय स्थापित करना, ये सब कार्य करते रहते हैं। आप अपनी दावेदारी को किस तरह से मजबूत मान रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पब्लिक इस समय बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार है। हमारा क्षेत्र जौनपुर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण की संख्या, और ब्राह्मण कैंडिडेट अगर यहाँ मिलेगा तो बीजेपी की जीत तय है। दूसरी बात, कैंडिडेट जो हो भ्रष्टाचार मुक्त व्यक्ति हो, उसका बैकग्राउंड साफ सुथरा हो, पढ़ा लिखा बैकग्राउंड का व्यक्ति हो, और वो मैं हूँ जैसा आप जानते हैं, आप कह चुके हैं। और इस तरह से साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को बीजेपी अगर कैंडिडेट बनाती है और ब्राह्मण कैंडिडेट बनाती है तो बीजेपी की जीत तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है।